हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एल जी आर स्टडी में दोस्तों आपको बता दें कि आज ये मैथ के क्रैश कोर्स का उनचास नंबर क्लास है मैथ के क्रैश कोर्स में दोस्तों अड़तालीस क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं अगर अभी तक आप उस सभी अड़तालीस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले में जाकर देख सकते हैं जो कि दोस्तों आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है तो चले दोस्तों बिना टाइम के मैं आज का वीडियो शुरू करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों आप आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली आठ दशमलव तीन स्टार्ट करने वाले हैं और आपको बता दें कि आठ दशमलव तीन से पहले जितने भी आपके आठ दशमलव एक आठ दशमलव दो पूरा कंप्लीट हम पढ़ा चुके हैं तो वो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिए जो लोग नहीं देखे हैं आज का जो दोस्तों आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है पूछ रहे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये आपका बन सकता है एग्जाम के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है साइन अठारह डिग्री बत्ते कॉस बहत्तर डिग्री तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए आपको कुछ फार्मूला हम बताए थे अगर आपको याद हो तो आप बहुत ही अच्छी बात है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बताए थे जैसे कि साइन नब्बे डिग्री माइनस थीटा साइन नब्बे डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको बताए थे कॉस थीटा होता है यानी कि कॉस थीटा तो आपको इसे ये भी याद ऐसे भी पढ़ सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन नब्बे डिग्री माइनस थीटा यानी कि दोस्तों अगर कॉस को साइन में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे नब्बे डिग्री माइनस थीटा करेंगे नब्बे डिग्री में से थीटा को क्या करेंगे घटाएंगे थीटा कौन होगा तो जो कॉस के साथ होगा वो इस तरह का क्वेश्चन ये फार्मूला आपको पता होगा तो इसको बनाने के लिए आपको सिंपली जो है करना क्या है देखिए अगर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे अठारह डिग्री है बहत्तर डिग्री है छत्तीस डिग्री आ जाए पैंतीस डिग्री आ जाए यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि जीरो डिग्री इसके बाद आपका तीस डिग्री पैंतालीस डिग्री साठ डिग्री और नब्बे डिग्री इतना को छोड़ करके अगर थीटा का वैल्यू कुछ भी आता है तो इसी कंसेप्ट का आप यूज़ करेंगे जो कंसेप्ट अभी हम बताने जा रहे हैं हाँ अगर इसमें से कोई भी अगर थीटा आता है इस थीटा का वैल्यू इसमें से कोई भी आ जाए तो आप वैल्यू बैठा करके जैसे वहाँ पर साइन बीस साइन तीस डिग्री होगा तो तीस डिग्री का क्या वैल्यू है वैल्यू बैठा करके सॉल्व करेंगे तो वो आंसर होगा बट अगर इसको छोड़ करके कोई भी आ जाए तो आप इसी मेथड से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और आप एक ट्रिक याद रख लीजिए कि अगर इसको छोड़ करके अगर वैसाबे और अगर बट्टा में क्वेश्चन रहे जैसे अठारह डिग्री है बहत्तर डिग्री है तो उसमें से तो कोई नहीं है तो बट्टा में अगर रहेगा तो उसका जो दोस्तों आंसर होगा वो एन टाइम एक होगा क्या होगा एक होगा ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं तो बट्टा में देखिए बट्टा में यहाँ भी है तो देखिए आंसर क्या है एक है और जब दोस्तों योग में रहे तो योग में तो कभी आपका जल्दी होगा ही नहीं योग में इसका क्वेश्चन आएगा नहीं घटाओ में रहेगा तो इसका जीरो आंसर होगा और बट्टा में रहेगा तो दोस्तों यानी कि भाग में रहेगा तो एक होगा ये दो ट्रिक आप याद रख सकते हैं एनी टाइम ये यूज हो सकता है अब इसको बनाना कैसे है अगर यहाँ पर तीस डिग्री होता यहाँ पर और जैसे मान लीजिए साठ डिग्री होता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं वैल्यू बैठा देते हैं साइन तीस डिग्री का और कॉस सात डिग्री का बट यहाँ पर आपको साइन अठारह डिग्री कॉस बहत्तर डिग्री का तो वैल्यू याद ही नहीं है बट क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं है वो सब तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे ऊपर वाला या नीचे वाला किसी एक को आपको सेम रहने देना है तो साइन अठारह को हम सेम रहने देते हैं और जो कॉस थीटा दोस्तों उसको साइन थीटा में हम बदल देंगे तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन नब्बे डिग्री माइनस ठीटा साइन नब्बे डिग्री माइनस ठीटा होगा मतलब जो कॉस थीटा को आप बदलेंगे साइन में तो नब्बे डिग्री में से जो ठीटा का वैल्यू है वो क्या करना है घटाना है तो घटाएंगे तो क्या होगा ऊपर साइन अठारह डिग्री है ही और ये जब साइन आप नब्बे में से क्या करेंगे बहत्तर को घटाएंगे तो ये हो जाएगा साइन अठारह और साइन अठारह से साइन अठारह एक मर्तब क्या होगा दोस्तों कट जाएगा तो ये एक आंसर हो जाएगा सेम प्रोसेस आप सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका तीन नंबर यहाँ पर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है टेन छब्बीस डिग्री बट्टे कॉट चौंसठ डिग्री इसके लिए भी यूज कर सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं आपकी दूसरा जो क्वेश्चन है उसका हम क्या किया केवल छब्बीस डिग्री रखे हैं जो आपका ऊपर वाला है टेन तो टेन रखे हैं टेन छब्बीस डिग्री को टेन छब्बीस डिग्री रखने दी रहने दिए हैं कॉट को बदल दिए दोस्तों टेन में तो कॉट थीटा जब बदलेगा तो टेन नब्बे डिग्री माइनस क्या होगा दोस्तों थीटा होगा टेन नब्बे डिग्री माइनस थीटा तो थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे आपका चौंसठ डिग्री है तो चौंसठ डिग्री यहाँ पे हो जाएगा आप चाहे तो ऊपर वाला को भी चेंज कर सकते हैं नहीं तो नीचे वाला भी चेंज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये टेन छब्बीस टेन छब्बीस होगा नब्बे में से चौंसठ आप घटाएंगे तो छब्बीस होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों टेन छब्बीस तो टेन छब्बीस से टेन छब्बीस एक मरतबे कट जाएगा आप सभी को पता है सेम चीज़ में अगर सेम चीज़ से भाग दिया जाए तो आंसर विल भी वन uh, ऑलवेज हमेशा आंसर एक होता है नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा और चौथा को भी हम देख लेते हैं क्योंकि हमारा तो इसमें रिवीजन कर रहे हैं जो लोग नहीं अभी तक जो है पढ़े वो लोगों का हो रहा होगा जो आप कह सकते हैं क्रैश कोर्स जो लोग पढ़े उनका क्या हो रहा है रिवीजन के तौर पर आप देखिए क्योंकि इतना अच्छा रिवीजन आप घर पे नहीं कर सकते खुद बैठ के नहीं कर सकते आप बैठने पर बै, पढ़ने के लिए बैठते हैं स्टूडेंट करते क्या हैं वो कुछ देखने लग गए मोबाइल खोल दिए कुछ कर दिए बट यहाँ पर आप जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो में आपका पूरा कंसंट्रेशन बनता है तो इस यहाँ से आप रिवीजन कीजिए बेहतर होगा और आपको बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यानी तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे एल जी आर स्टडी तो वहाँ पर मेरा मोबाइल ऐप जो है आ जाएगा सबसे ऊपर में ही एल जी आर स्टडी डेवलपर डेवलपर नेम में लिखा होगा तो वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड uh, कर सकते हैं उस पर आपको ऑल सब्जेक्ट का विवियर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर और क्विक रिविजन नोट्स मिलेगा जिससे दोस्तों आप लोग बहुत ही कम समय में अपने एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है कॉस अड़तालीस डिग्री माइनस कॉस जो आपका जो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कॉस अड़तालीस डिग्री था माइनस साइन बयालीस था तो साइन बयालीस को हमने चेंज कर दिया कोस में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किया मैंने कॉस को कॉस रहने देंगे और साइन बयालीस को लिख सकते हैं कॉस नब्बे माइनस ठीठा तो नब्बे आपका ये जो है वो रहेगा ही रहेगा और थीटा बयालीस है तो यहाँ पर आप बयालीस लिख देंगे तो कॉस नब्बे माइनस बयालीस तो ये दोस्तों ये, दोस्तो, ये कॉस अड़तालीस तो कॉस अड़तालीस है और ये जब आप नब्बे में से बयालीस घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अड़तालीस तो आप सभी समझ सकते हैं प्लस कॉस अड़तालीस और माइनस कॉस अड़तालीस कटेगा तो क्या आंसर होगा दोस्तों आपका जीरो आंसर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा सेम इसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं जो आपका चौथा क्वेश्चन है कौशिक इकतीस डिग्री माइनस सेक फिफ्टी नाइन यानी कि उनसठ डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया जो कौशेक है इकतीस डिग्री उसको वही रहने देंगे और जो सेक है उसको उसको कॉशेक में चेंज करेंगे तो सेक थीटा बराबर होता है कौशिक है ना नब्बे डिग्री माइनस थीठा तो नब्बे डिग्री माइनस थीटा करेंगे यहाँ पर तो आपका क्या होगा नब्बे डिग्री माइनस उनसठ तो जो कौशिक इकतीस है वो कौशिक इकतीस रहा और जो यहाँ पर आप घटाएंगे तो क्या होगा इकतीस होगा तो इस तरह से आप क्या करेंगे समझेंगे बातों को जब प्लस कौशिक इकतीस माइनस कौशिक इकतीस कैंसिल हो जाएगा कट जाएगा तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ज़ीरो होगा नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं आप लोग जो है पूरे ध्यान से देखने का कोशिश करेंगे दो नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि दिखाइए कि आपको दिखाना है दिखाना है मतलब सिद्ध करके बताना है यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है अड़तालीस डिग्री सॉरी टेन अड़तालीस डिग्री इंटू टेन तेईस डिग्री इंटू टेन बयालीस डिग्री इंटू टेन सड़सठ डिग्री बराबर एक ये दोनों बराबर है कि नहीं यहाँ पर इतना चीज़ों को बोला गया कि ये एक के बराबर है तो वही आपको दिखाना है कि एल एच एस और आर एच एस बराबर है कि नहीं है ये इसके बराबर होगा तो कैसे पता चलेगा जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक पता चलने वाला नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं कि आपका किस तरह से आप इसका आंसर करेंगे तो जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या पता चलेगा आपको उसको तो ध्यान में देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे चार चीज़ें हैं चार बार टेन का प्रयोग किया गया है जिसमें से दोस्तों आपको दो को चेंज करना है दो को सेम रहने देना है दो को चेंज करेंगे बाकी दो सेम रहेगा तब जाके आपका आंसर क्या होगा आसानी इस तरीका से आ जाएगा तो अब क्वेश्चन होता है किसको हम रहने दें और किसको चेंज कर दें क्योंकि सभी के सभी टेन 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 दिख रहे हैं दो टेन को क्वार्ट में बदलना होगा तो सबसे पहले दोस्तों आप पेयर बनाएंगे पेयर कैस किसका बनाएंगे जिस दो के ठीटा का योग दोस्तों नब्बे डिग्री हो जाए वो हो जाएगा उसका पेयर तो ये इसका पेयर पेयर हो जाएगा जुड़ा हो जाएगा और ये दोस्तों इसका जुड़ा हो जाएगा क्योंकि आ, देख सकते हैं अब दोनों को जिसका जोड़ा मैंने लगाया उस दोनों के थीटा को जोड़ेंगे तो नब्बे पूरेगा तो आप ये जो दो आप लिया टेन अड़तालीस डिग्री टेन बयालीस डिग्री ये एक जोड़ा है क्योंकि बयालीस और अड़तालीस नब्बे हो जाता है फिर टेन तेईस डिग्री और टेन सरसठ डिग्री ये दोनों एक दूसरे का पूरक होगा तो अब आप जो जोड़ा है उस जोड़ा में से किसी एक को क्या करेंगे चेंज करेंगे तो अब आप आपका काम हो जाएगा आसान तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल में क्या है टेन अड़तालीस को सेम टू सेम हमने रहने दिया और फिर जो टेन तेईस डिग्री है उसको भी सेम टू सेम रहने दिया और ये देखिए इस पेयर में से एक को यानी कि टेन बयालीस को चेंज करेंगे तो कॉट नब्बे माइनस बयालीस हो जाएगा और फिर टेन सड़सठ को चेंज करेंगे तो कॉट नब्बे माइनस सड़सठ होगा बराबर में एक आप करते जाइए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हुआ क्या जो आपका टेन अड़तालीस डिग्री है वो तो हुआ रहेगा ही रहेगा और जब दोस्तों आप कॉट में कॉट नब्बे माइ नब्बे डिग्री में से आप बयालीस घटाते हैं तो वो हो जाएगा कॉट अड़तालीस तो इसको यहाँ पर इसके साथ कर लिए फिर जो टेन तेईस है वो टेन तेईस इस यहाँ पर लिखेंगे और जो जब आप कॉट नब्बे माइनस सड़सठ करेंगे तो कॉट तेईस होगा तो यहाँ पर, पर, तो पर इस तरह से हमने क्यों सजाया क्योंकि आप देख सकते हैं टेन तेईस डिग्री इंटू कॉट तेईस डिग्री टेन अड़तालीस डिग्री इंटू कॉट अड़तालीस डिग्री क्योंकि इसका फार्मूला होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है वन और इधर भी टेन थीटा इंटू कॉट ठीटा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और जो बराबर में वन है वो तो दोस्तों रहने ही देंगे और अगर आप गुना करेंगे वन इंटू वन तो वन होगा बराबर में भी वन होगा यानी कि आपने यहाँ पर देखा कि जो एल एच एस में है वही चीज़ आर एच एस में ही है भी है यानी कि इसका वैल्यू सही है कि एक ही होगा तो ये हो गया दोस्तों प्रोफ्ड लिख देंगे प्रूफ्ड मतलब ये हमने साबित कर दिया कि भाई ऐसा आपका होगा इस तरह से बनाएंगे नेक्स्ट जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि कॉट अड़तीस डिग्री इंटू सॉरी यहाँ पे कॉट नहीं है कॉस है कॉस अड़तीस डिग्री इंटू कॉस बावन डिग्री माइनस साइन अड़तीस डिग्री इंटू साइन बावन डिग्री बराबर जीरो होगा कि नहीं होगा ये आपको दिखाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए इस दो में से किसी एक को चेंज कीजिए और इस दो में से किसी एक को चेंज कीजिए क्योंकि देख सकते हैं इस दोनों ये दोनों एक दूसरे का पूरक है और ये दोनों एक दूसरे का पूरक है तो इस तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ पर जो कॉस अड़तीस है उसको मैंने कॉस अड़तीस रहने दिया लेकिन कॉस बावन को साइन नब्बे डिग्री माइनस बावन लिख देंगे तो साइन में चेंज हो जाएगा फिर साइन अड़तीस डिग्री जो है उसको सेम टू सेम रहने दिए साइन बावन डिग्री को लिखेंगे कॉस नब्बे डिग्री माइनस बावन डिग्री और बराबर में जीरो है तो वो जीरो को आप बढ़ाते चलिए आगे अब क्या होगा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर पूरा ही हो गया चलिए हाँ यहाँ पर जो कॉस अड़तीस है उसको कॉस अड़तीस हमने लिखा फिर साइन नब्बे माइनस बावन करेंगे तो क्या होगा आपका अड़तीस होगा तो साइन अड़तीस हो गया और फिर ये जो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पर आप ले लेंगे साइन अड़तीस को साइन अड़तीस आपने यहाँ पर लिख दिया कॉस नब्बे डिग्री माइनस बावन डिग्री तो कॉस अड़तीस डिग्री होगा वो किसके बराबर होगा तो जीरो के बराबर होगा अब आप सभी जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वन होता है फिर साइन थीटा इंटू कॉस ठीटा वन होता है और जब आप वन प्लस और माइनस होगा तो कैंसिल होगा ज़ीरो हो जाएगा बाएँ भी जीरो दाहिने भी जीरो ये क्या हो गया दोस्तों प्रूफ्ड हो गया कि भाई दोनों तरफ ही क्या लगा हुआ है जीरो लगा हुआ है तो इस तरह से आप इस सब क्वेश्चन को क्या करेंगे बनाएंगे आशा करते हैं कि आपको जो वीडियो है बहुत अच्छा लग रहा होगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों में शेयर तो करना ही आपका काम है क्योंकि आप इस तरह से सपोर्ट बनाए रखते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए इससे भी बेस्ट करने का कोशिश करूँगा तीन नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है तो देख लिया जाए तीन नंबर क्वेश्चन को बार बार इसका जो है एग्जाम में प्रेजेंटेशन देखा गया मतलब बार बार इसको पूछा भी गया है क्वेश्चन है कि यदि टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस अठारह डिग्री जहां टू ए एक न्यून कोण हो टू ए जो है वो कौन है और कौन सा कौन है न्यून कोण मतलब नब्बे डिग्री से छोटा वाला कौन होगा नब्बे डिग्री से छोटा वाला ही कौन है तो ए का मान आपको ज्ञात करना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट खास है तो देखने का को कोशिश करेंगे दिया क्या गया था दोस्तों क्वेश्चन में टेन टू ए बराबर कॉट अट्ठारह सॉरी कॉट ए माइनस अट्ठारह डिग्री तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ या तो टेन हो जाए नहीं तो दोनों तरफ कॉट हो जाए इससे फायदा क्या होगा कि कॉट कॉट फिर लास्ट में क्या होगा कट जाएगा तो इससे छुटकारा मिलेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया जो टेन टू ए है उसको लिख देंगे कॉट नब्बे माइनस टू ए क्योंकि थीटा घटाना होता है तो थीटा यहाँ पे टू ए है तो क्या होगा क्योंकि टेन थीटा बराबर होता कॉट नब्बे माइनस थीटा ये आपको याद होना चाहिए और इसको सेम टू सेम यहाँ पर क्या कर दिए रख दिए कॉट ए माइनस अठारह डिग्री को तो इससे क्या होगा फ़ायदा कि कॉट से कॉट क्या होगा दोस्तों कट जाएगा कटने के बाद नब्बे माइनस टू ए बचा तो नब्बे माइनस टू ए लिख लेंगे और ए माइनस अठारह बचा तो ए माइनस अठारह यहाँ पर आप लिख लेंगे फिर क्या होगा फिर इसे इसे टेप में देखेंगे कि जो माइनस टू ए था वो हम माइनस टू ए रहने ही दिए हैं और प्लस ए जो है बाएं आएगा तो माइनस ए हो जाएगा माइनस अट्ठारह डिग्री पहले से था तो रहेगा ही और प्लस नब्बे डिग्री जाएगा तो माइनस नब्बे डिग्री हो जाएगा उसके बाद आप इस स्टेप में ध्यान से देखेंगे कि माइनस टू ए और माइनस ए माइनस थ्री ए होगा देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस अठारह और माइनस नौ कितना होगा सॉरी माइनस नब्बे डिग्री क्या होगा आपका माइनस एक सौ आठ डिग्री होगा और तब आप ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा ए आप बाएँ रखेंगे माइनस तीन गुना के रूप में यहाँ पर तो दाहिने जाएगा तो बट्टा के रूप में जाएगा तो एक सौ आठ के नीचे तो माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और छत्तीस मरतबे तीन से जब आप भाग देंगे एक सौ आठ को तो सीधा समझिए कि छत्तीस आएगा तो छत्तीस आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर होगा इसका इस तरह से आप इस सब क्वेश्चन को क्या करेंगे बनाने का को कोशिश करेंगे चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं आगे की चीज़ों को बहुत भी और अभी हम पूरा जो है मटेरियल हम तैयार कर लिए आठवां चैप्टर का पूरा तो हम लिख लिए हैं ठीक है तो उसको अगले क्लास में देखेंगे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है वहाँ से दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि मेरे मोबाइल ऐप पर आपको ऑल सब्जेक्ट का वीवे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं चलिए मिलते हैं अगले क्लास में तब तक अपना ख्याल रखिए और एल जी रेस्टडी देखते रहिए